देयर द मार्वल्स का फर्स्ट ऑफिशियल टीजर ट्रेलर आ गया है एंड यहाँ हमें कई सारे इंटरेस्टिंग डिटेल्स मिलते हैं, इसलिए चलो डुबकी लगाते हैं इसके ब्रेकडाउन में। और हाँ, जो मेजर अनाउंसमेंट में बहुत दिनों से टीज कर रहा था वो आज इस वीडियो के एंड में आपको मिल भी जाएगा, तो हाँ एंडिंग जरूर देखना। पहले ट्रेलर पे आए तो हमें एक स्पेस स्टेशन दिखाया जाता है, टू बी एग्जैक्ट सेबर स्पेस स्टेशन। अब इसको लेकर बहुत लोग कंफ्यूज्ड होंगे, तो यार बता दूं कि अभी तक जितने रिपोर्ट्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग ये स्पेस स्टेशन मार्वल ने बिल्कुल नया नया बनाया है, मतलब ये कॉमिक बुक्स में एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ, कॉमिक्स में शील्ड का स्पेस स्टेशन था, बट ये शायद वो नहीं होगा। एंड मोस्टली जैसा हमने वांडा विजन में देखा, उसके बाद तो ये सोर्ड का स्पेस स्टेशन भी नहीं हो सकता, नहीं तो निक फ्यूरी एंड मोनिका इसके लिए काम तो नहीं कर रहे होते। हाँ, लास्ट टाइम हमने ऐसी एक लोकेशन पे स्पेस में स्क्रल्स के बीच में निक फ्यूरी को जरूर देखा था, फार फ्रॉम होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में, बट ये वो लोकेशन होने के चांसेस भी बहुत ही कम है क्योंकि द मार्वल्स की स्टोरी सीक्रेट इन्वेजन के बाद की है। तो हाँ, अब सीक्रेट इन्वेजन में ही पता चलेगा कि ये लोकेशन कौन सा है और भाई ये निक फ्यूरी है भी या नहीं या कोई स्क्रल है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मेरा सीक्रेट इन्वेजन का ट्रेलर ब्रेकडाउन देख लो तो कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। यही हम मोनिका रैम्बियो के कैरेक्टर को निक फ्यूरी के साथ काम करता देखते हैं। अब जिन्होंने वांडा विजन नहीं देखा उनको इस कैरेक्टर के बारे में भी नहीं पता होगा, उसी सीरीज के एंडिंग में क्लियरली इसको स्पेस में बुलाया गया था, तो हाँ निक फ्यूरी ने ही इस कैरेक्टर को वहाँ बुलाया होगा। इवन फार फ्रॉम होम के पोस्ट क्रेडिट सीन पे आप ध्यान दोगे तो वहाँ भी ऐसे हेक्सागोनल शेप बने हुए थे जैसा कि वांडा ने वांडा विजन में यूज किया था, तो हो सकता है कि वांडा विजन के पूरे इवेंट पे निक फ्यूरी ने नजर रखी होगी, इसीलिए उसने मोनिका रैम्बियो को बुलाया। इसके बाद एज एक्सपेक्टेड मोनिका रैम्बियो एक एनर्जी फील्ड को टच कर देती है जैसा कि उसने पहले भी वांडा विजन में किया है, फिर क्या उसके जगह यहाँ मिस मार्वल आ जाती है। अब यही एक शॉट में निक फ्यूरी के टेबल पे ध्यान दोगे तो यहाँ हमें वही पेजर रखा दिखता है जिससे कि वो कैप्टन मार्वल को बुला सकता है। इवन इन्फिनिटी वॉर के एंडिंग में उसने ऐसी ही एक पेजर का यूज भी किया था। अब ऑब्वियसली सिंस मिस मार्वल अवेंजर्स एंड उससे भी ज्यादा कैप्टन मार्वल की फैन है, तो उसने निक फ्यूरी को देखते ही पहचान लिया और पूछने लगी कि क्या ये अवेंजर्स का टेस्ट है। उधर दूसरी तरफ मोनिका रैम्बियो एक अजीब लोकेशन पे टेलीपोर्ट हो जाती है और यहाँ उस पोर्टल को भी देखोगे तो वो भी हेक्सागोनल शेप में है। यहाँ हम कुछ क्री सोल्जर्स को उस पे हमला करते देखते हैं एंड इन क्री सोल्जर्स का कॉस्ट्यूम भी काफी सिमिलर है कॉमिक बुक के क्री सोल्जर्स से। देन हम आगे देखते हैं कैप्टन मार्वल को और ये सीन तो एग्जैक्टली मिस मार्वल में दिखाया गया पोस्ट क्रेडिट सीन है, तो हाँ इन सबको देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे ही मोनिका ने उस एनर्जी फील्ड को टच किया तो इन तीनों ने आपस में लोकेशन चेंज कर लिया। मोनिका कैप्टन मार्वल की जगह चली गई, कैप्टन मार्वल मिस मार्वल की जगह और मिस मार्वल मोनिका की जगह। फिर हाँ, यहाँ मार्वल स्टूडियोज के लोगों पे जो इफेक्ट दिखाया गया है वो बिल्कुल मिस मार्वल की एनर्जी ब्लास्ट के जैसा है। इसके बाद के शॉट में हम निक फ्यूरी एंड मोनिका को मिस मार्वल के घर पे जाता देखते हैं। अगर सीरीज देखोगे तो इन सारे कैरेक्टर्स को पहचान ही लोगे, बट वियर्ड मुझे ये लगा कि यहाँ इन्होंने कैजुअली अपने घर में किसी को बांध के रखा हुआ है। खैर, मोनिका यहाँ सबको समझाती है कि हुआ क्या है और बेसिकली इनके पावर्स आपस में उलझ चुके हैं और मिस मार्वल जब चाहे आपस में इनसे लोकेशन चेंज कर सकती है। वैसे ध्यान देना तो यहाँ मिस मार्वल के हाथों में जो टैबलेट है उसमें उनका ही एक फोटो लगा है जो कि ईमान विलानी ने इस कैरेक्टर के ऑडिशन के लिए भेजा था, तो हाँ ये भी एक इंटरेस्टिंग डिटेल था। अगेन फिर से अपने पावर्स का यूज करने से मिस मार्वल कैप्टन मार्वल से रिप्लेस हो जाती है और यहाँ उसको दिखता है गूज। अब ऑब्वियसली ये जो सीन है वो अलग अलग शॉट का होगा और ट्रेलर में इसको ऐसे एडिट करके दिखाया गया है क्योंकि मिस मार्वल यहाँ दूसरे कपड़ों में बैठी थी एंड टेलीपोर्ट होने के बाद वो अपने सूट में आ गई। वैसे गूज को देखकर यहाँ जो इसका रिएक्शन रहा है शायद वैसा ही रिएक्शन मेरा भी होता। देन यहाँ हम देखते हैं कि भाई तीनों एक साथ डिफरेंट लोकेशन पे ट्रैवल कर रहे हैं एंड क्लियरली मिस मार्वल के एक्सप्रेशन से ही आप समझ सकते हो कि ये उसका ड्रीम कम ट्रू मोमेंट है। वैसे जिस स्पेस स्टेशन में स्टार्टिंग में निक फ्यूरी था वहाँ भी एक फाइट सीक्वेंस है। यहाँ आप निक फ्यूरी, मोनिका एंड मिस मार्वल को स्पॉट कर सकते हो सेम उसी स्पेसशिप पे। देन यहाँ एक डांस सीक्वेंस दिखाया जाता है और जब मैंने दूसरे चैनल पे ट्रेलर रिएक्शन किया था तो मुझे लगा था कि भाई ये कोई बॉलीवुड टाइप का डांस सीक्वेंस होगा, बट क्लियरली ये किसी दूसरे प्लेनेट पे है एंड यहाँ मिडिल में आप तीनों को एंजॉय करता हुआ डांस करता हुआ भी देख पाओगे। फिर यहाँ मिस मार्वल गिरती रहती है और आप मोनिका को उसको बचाते हुए देखते हो। मोस्टली ये वो स्टार्टिंग वाला ही सीन होगा जहाँ फैमिली के सामने मिस मार्वल ने कैप्टन मार्वल से स्विच किया था। देन ये है सबसे खतरनाक शॉट जहाँ आप कई सारी बिल्लियों को साथ में देखते हो और सही में इफ ये सारी बिल्लियां गूज की तरह फ्लर्किंस रही तो भाई इसके आगे वाले सीन में कांड होने वाला है। देन मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे इंटरेस्टिंग शॉट रहा होगा जहां आप कई सारे क्री सोल्जर्स को देखते हो। यहां हमें एक नई कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसके वेपन पे ध्यान दोगे तो ये क्लियरली वैसा ही है जैसा कि रोनन यूज करता था एंड इवन उसके पीछे जो एक लेडी है उसका लुक तो बिल्कुल भाई रोनन जैसा ही है, तो हाँ क्री स्टोरी का मेजर पार्ट होने वाला है। वैसे यहाँ जो मिडिल में कैरेक्टर है रोनन के वेपन के साथ ये कॉमिक बुक से डार्बिन का कैरेक्टर प्ले कर रही है और एंडिंग में जो फाइट सीक्वेंस दिखाया गया है उसमें ये तीनों इसी
से फाइट कर रहे हैं, तो हाँ मोस्टली इस मूवी की ये मेन विलन हो सकती है। एंड यही सबसे मेजर ये भी है कि इसी कैरेक्टर के हाथों में क्लियरली बैंगल जैसा कुछ है, जिसकी हेल्प से ये तीनों से ही अकेले भिड़ गई है। एंड इफ आपने मिस मार्वल की सीरीज देखी है और आपको कमाला खान के पावर का सोर्स पता है, तो भाई ये शॉट देखकर ऐसे ही लग रहा है कि ये दूसरा बैंगल है, बिल्कुल कमाला खान के जैसे। वैसे एंडिंग वाले फाइट सीक्वेंस में तीनों ही कैरेक्टर को नया सूट मिला है, आप क्लियरली स्पॉट कर सकते हो। एंड स्पेशली मोनिका रैम्बियू का बिल्कुल नया सूट हमें देखने को मिला, जो कि एग्जैक्टली कॉमिक बुक जैसा है। यहाँ फाइट में जो इनका पावर इंटेंगल हुआ है, उसका ये लोग बहुत ही अच्छे से यूज कर रहे हैं आपस में, जगह रिप्लेस और स्विच करके। और सही में अगर इस फाइट को अच्छे से कोरियोग्राफ किया गया तो ये बड़े स्क्रीन पे तो एपिक लगेगा। ओवरऑल ये पूरा ट्रेलर अच्छा वाइब देता है। एंड मुझे सबसे फन कैरेक्टर तो फॉर श्योर मिस मार्वल की ही लगी। इस मूवी में फॉर श्योर आपको वो वाले मोमेंट देखने को मिलेंगे जिसमें आप एक नए कैरेक्टर को एक्सपीरियंस सुपर हीरोज के साथ एडजस्ट होता हुआ देखोगे। और मुझे पता है कि आप मेजर अनाउंसमेंट का वेट कर रहे हो, तो यार मैंने एक छोटा सा वेबसाइट स्टार्ट किया है Drapster.com, जिसपे आप मार्वल कॉमिक्स के वॉल कोलाज, मांगा के वॉल कोलाज और कई सारे कूल पोस्टर्स खरीद सकते हो। ज्यादा सेल्फ प्रमोशन नहीं करूंगा, बस यही बोलूंगा कि एक बार परचेज जरूर करना, अपना तगड़ा सपोर्ट दिखाना। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में ही मिल जाएगा। और भाई एक बार और बता दूं, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मेरा खुद का स्टार्ट किया हुआ है, तो बस जाओ यार एक बार चेकआउट तो जरूर करो, परचेस करना हो या नहीं करना हो, कुछ अच्छा लगे तभी परचेस करना। सीक्रेट इन्वेजन का ट्रेलर ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, एंड इस वीक का नडी न्यूज देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा, टिल देन बी देसी बी नर्ड।